हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑपरेशंस ऑन अ सीरीज ऑब्जेक्ट। टू सी द फर्स्ट ऑपरेशन दैट वी कैन परफॉर्म ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट इज मॉडिफाइंग एलिमेंट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। नाउ इफ यू वॉन्ट टू मॉडिफाई द एलिमेंट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट, सो एट दैट टाइम we have to assign a new value to the series object. The data value of a series object can be easily modified through item assignment, that is we must write series object in bracket index is equals to new data value. तो अगर हमें एक value केवल modify करना होता है तो उस case में हम लिखते हैं series object का नाम bracket में index is equals to new data value. But if we want to assign a single value to multiple indices, at that time we must write series object in bracket start index colon sign stop index is equals to new data value. By the example which is given here, you can see OB1 is a series object which contain values 1.5, 12.75, 24, 35.25 and 46.50 at indices 0, 1, 2, 3 and 4. Now if we write OB10 is equals to 1.85. Now when you want to print it, you can see in the output at index number 0, now the value is 1.85. At the same time, if we write the statement like OB1 2 colon 4 is equals to minus 15.75, at that time you can see at index 2 and index 3 will have 15.75 as a value which you can see here. तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि start और stop की जो value हम pass करते हैं तो हमेशा जो ऑपरेशन होता है वो स्टॉप से माइनस वन तक होता है। तो जैसे यहाँ पे 2:4 कहा गया है तो यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा वो 2 और 3 पे ही होगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट इट विद एन एग्जांपल प्रोग्राम। तो इसके लिए मैं क्यू पाइथन में चलता हूँ एडिटर मोड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पाइथन पांडा सीरीज़ बनी हुई है। इम्पोर्ट पांडाज एज पी डी किया है, इम्पोर्ट नमपाई एज एन पी, एस वन इज इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज़ और फिर उसके बाद सीरीज़ को हमने डिस्प्ले किया है। अगर हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो आप इसके आउटपुट में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे सीरीज़ ऑब्जेक्ट जो आ रहा है यहाँ पे 4, 6, 8 and 10 ये वैल्यूज़ हैं और 0, 1, 2, 3 दीज आर द इंडिसेस। नाउ If we want to modify one element, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने लिखा S1, फिर उसके बाद मुझे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है तो स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे मैंने दे दिया 0, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड देन इज इक्वल्स टू आई एम राइटिंग द वैल्यू 20। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने S1 0 पे 0 इंडेक्स पे पहले वैल्यू थी 4, अब हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया और वैल्यू कर दिया 20। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट को यहाँ से कट कर लेता हूँ और कट करने के बाद इस प्रिंट स्टेटमेंट के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड देन आफ्टर फाइनली यहाँ पे ये जो दो प्रिंट स्टेटमेंट वाली लाइन है इसको भी यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर लास्ट में आके यहाँ पे आई एम गोइंग टू पेस्ट इट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज में मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ कि सीरीज ऑब्जेक्ट आफ्टर मॉडिफिकेशन After modification, अब अगर मान लीजिए मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ
तो पहले ये डिस्प्ले करेगा बिफोर मॉडिफिकेशन जो वैल्यूज़ थी, लाइक आप देख सकते हैं कि पहली बार जब सीरीज़ ऑब्जेक्ट 1 को डिस्प्ले किया जा रहा है तो इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू थी 4, और उसके बाद जब मॉडिफाई कर लिया है तो अब आप देख सकते हैं इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू है 20। तो इन दिस वे वी कैन मॉडिफाई द एलिमेंट। सेकेंड थिंग इज़ इफ सपोज़ वी वॉन्ट टू पास एन इंडेक्स लाइक वी आर राइटिंग 1 एंड देन कॉलन साइन एंड देन आई एम राइटिंग 3, तो S1 इन स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स 1:3, तो यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन होगा वो इंडेक्स नंबर 1 पे होगा और इंडेक्स नंबर 2 पे होगा, बिकॉज 3 से 1 कम के लिए, जैसे 3-1 दैट इज़ 2 तक के लिए ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, नाउ यू कैन ऑब्जर्व द आउटपुट कि एट इंडेक्स 0 वी आर हैविंग वैल्यू 4, इंडेक्स 1 नाउ द वैल्यू बिकम्स 20, एट इंडेक्स 2 द वैल्यू बिकम्स 20, बट एट इंडेक्स 3 द वैल्यू इज़ इनएक्ट। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मॉडिफाई द एलिमेंट इन द इंडेक्स। होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रीनेमिंग इंडिसेस। तो इंडेक्सेस को अगर हम रीनेम करना चाहते हैं तो एट दैट टाइम व्हाट वी नीड टू डू सी, तो यू कैन इवन चेंज और रीनेम इंडेक्सेस ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट बाय असाइनिंग न्यू इंडेक्स एरे टू इट्स इंडेक्स एट्रीब्यूट। दैट इज, फॉर दैट यू नीड टू राइट ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स इज इक्वल्स टू न्यू इंडेक्स एरे। तो यहाँ पे जैसे आप कंसिडर करें कि OB2 एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे वैल्यूज़ हैं 1.5, 12.75 एंड सो ऑन, और इंडेक्सेस इसमें हैं पहले से A, B, C एंड D. नाउ इफ़ वी राइट समथिंग लाइक दिस, OB2 डॉट इंडेक्स इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट V, W, X, Y, Z, तो नाउ यू कैन सी द इंडेक्सेस विल चेंज्ड टू द न्यू वैल्यू। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी कर देता हूँ विद दिस एग्जांपल, कि हियर वी जस्ट नीड टू राइट S1 डॉट इंडेक्स इज इक्वल्स टू, वी नीड टू पास द एरे ऑफ इंडेक्स। तो एरे ऑफ इंडेक्स ये न्यूमेरिक भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने दे दिया 5, 10, 20, 30, मैं यहाँ पे 4 वैल्यू पास कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी वी आर हैविंग ओनली 4 वैल्यूज़ इन इट, एंड देन प्रेस डन एंड एग्जीक्यूट इट। तो यहाँ पे अब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले बिना, जब हमने एरे क्रिएट किया था, हमने सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो 4, 6, 8 एंड 10 आर द वैल्यूज एंड द इंडिसेस आर 0, 1, 2 एंड 3। नाउ आफ्टर मॉडिफिकेशन ऑफ इंडेक्स विल गेट 5, 10, 20 एंड 30 एज इंडेक्स। तो दिस इज हाउ यू कैन मॉडिफाई द इंडिसेस। एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं पास करना चाहते हैं, हम यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू पास करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको याद रखना होगा कि वी जस्ट नीड टू इनक्लोज द वैल्यू इनटू सिंगल कोटेशन मार्क, क्योंकि जब भी हम कैरेक्टर वैल्यू देना चाहते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये कंडीशन है कि हमें वैल्यू को सिंगल कोटेशन मार्क में या डबल कोटेशन मार्क में इनक्लोज करना होता है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ को सिंगल कोटेशन मार्क में इनक्लोज करके दे दिया। नाउ इफ़ वी एग्जीक्यूट इट, तो यू कैन सी द इफ़ेक्ट, इंस्टीड ऑफ इंडेक्स 0, 1, 2, 3 नाउ वी आर हैविंग A, B, C, D एज इंडेक्स। तो इस तरीके से आप कोई भी इंडेक्स अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड we are going to see an example, that is example 15 which is given in your book. I think this will also be clear to you all.
तो आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 15. कंसिडर अ सीरीज ऑब्जेक्ट एस 13 दैट स्टोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्शन एज गिवन बिलो. ए 67, बी 56, सी 5,600, 5,600, 5,000 and 5,200. Now write code to modify the amount of section A as 7,600 and for section C and D 7,000 and print the changed object. तो इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपके सामने. तो यहाँ पे हमें लेके चलना है S13. तो मैंने यहाँ पे S13 क्रिएट कर दिया. अब इसके बाद मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ जो चाहिए वो वैल्यूज़ हमारी होगी 6,700. 6,700 मैंने पहली वैल्यू दी, देन 5,600, देन 5,000 एंड फाइनली द नेक्स्ट लास्ट वैल्यू इज़ 5,200. तो ये तो हमारी वैल्यू हो गई. अब इसके बाद हमें इंडेक्सेस भी चाहिए, तो कॉमा देके मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडेक्स इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने इसमें इंडेक्स असाइन करना है. तो इंडेक्स मैंने असाइन करना है ए बी सी डी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू हैव अ कोट दैट इज सिंगल कोटेशन मार्क देन कैपिटल ए कोट क्लोज क्वामा अगेन कोट कैपिटल बी देन अगेन कोट क्लोज क्वामा देन कोट कैपिटल सी देन कोट क्लोज क्वामा एंड फाइनल वैल्यू कोट कैपिटल डी. लास्ट वी नीड टू क्लोज द कोट्स एंड ये सारी की सारी जो वैल्यूज होंगी वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज हो जाएंगे. तो इस तरीके से जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे अगर इतने पे मैं एग्जीक्यूट करके देखूं कि इज़ इट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, तो देखिए यहाँ पे एरर एक आ रहा है, S1 इज़ नॉट डिफाइंड. ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी अपने प्रोग्राम के अंदर S1 को ही यूज़ किया है. यहाँ पे मुझे S13 करना होगा और यहाँ पे भी S13 कर देता हूँ एंड एट लास्ट आई एम आल्सो राइटिंग S13. नाउ सेव एंड एग्जीक्यूट. नाउ यू कैन सी नीचे वाला पार्ट भूल जाइए. ए 6700, बी 5600, सी 5000 एंड डी 5200. दीज आर द वैल्यूज. तो पहले मैंने यहाँ पे एक सीरीज ऑब्जेक्ट S13 क्रिएट कर लिया है. अब इसके बाद हमें मॉडिफिकेशंस करने हैं. तो मॉडिफिकेशन सबसे पहला हमें ये करना है कि इंडेक्स जो ए है उस पे हमें वैल्यू असाइन करनी है 7,600. तो मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि व्हेनेवर वी वांट टू मॉडिफाई द वैल्यू सो एट दैट टाइम वी हैव टू रेफर इट विथ पोजीशन नॉट द इंडेक्स. तो ए का जो पोजीशन है दैट इज 0. तो वी कैन नॉट राइट S13 ब्रैकेट ए इज इक्वल्स टू समथिंग. वी हैव टू राइट S13 इन ब्रैकेट 0 एंड इज इक्वल्स टू द वैल्यू दैट वी वांट टू असाइन दैट इज 7,600. तो ये तो पहला पार्ट हुआ कि हमने सेक्शन ए की वैल्यू को चेंज करके 7,600 कर दिया. अब हमें सेक्शन सी और सेक्शन डी की वैल्यू को चेंज करना है और हमें 7,000 वैल्यू असाइन करनी है. तो फॉर दैट वी नीड टू राइट एस, देखिए यहाँ पे मैंने कैप्स लॉक ऑन रखा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी बिकॉज इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. सो वी नीड टू राइट इन अ प्रॉपर केस. तो आई एम गोइंग टू हैव इट लाइक दिस S13. अब यहाँ पे हमें सी और डी की वैल्यू को चेंज करना है. तो सी का इंडेक्स है 2 और डी का इंडेक्स नहीं पोजीशन है सी का 2 और डी का पोजीशन है 3.
तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि टू देन कॉलन, अगर हम टू कॉलन भी दे दें, हमने स्टार्ट दिया है इन नहीं दिया है, तो ये स्टार्ट से चलेगा और लास्ट तक जाएगा। और चूंकि हमारे पास केवल दो ही सेक्शंस हैं इसके आगे, मतलब एक ही सेक्शन है सी और डी, तो हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या हम यहाँ पे ये दे सकते हैं कि 2.4 इज़ इक्वल्स टू, जो सॉरी इक्वल्स टू यहाँ पे होगा, इज़ इक्वल्स टू द न्यू वैल्यू दैट इज 7000। तो यहाँ पे देखिएगा S13 टू कॉलन इज़ आल्सो वैलिड एंड वी कैन आल्सो राइट 2:4। इफ़ वी एग्जीक्यूट इट यू विल ऑब्जर्व द आउटपुट लाइक कि A की वैल्यू हो गई है 7600, C और D की वैल्यू हो गई है 7000। तो इन दिस वे यू कैन मॉडिफाई इट्स वैल्यू। और ये मैं यहाँ पे भी डिस्प्ले कर रहा हूँ कि अगर हम यहाँ से 4 हटा दें और फिर एग्जीक्यूट करें, वी आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ C इज 7000 एंड D इज 7000। ओके, तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। यू हैव टू मेक इट इन योर मोबाइल फ़ोन और डेस्कटॉप। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द हेड एंड टेल फंक्शन। तो सी, द हेड फंक्शन इज़ यूज टू फैच फर्स्ट एन रोज फ्रॉम अ पांडा ऑब्जेक्ट एंड टेल फंक्शन रिटर्न्स द लास्ट एन रोज फ्रॉम अ पांडा ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब स्टार्ट और लास्ट से वैल्यूज़ को फैच करने के लिए हम हेड एंड टेल फंक्शंस का यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स होता है पांडा ऑब्जेक्ट डॉट हेड ब्रैकेट में एन और पांडा ऑब्जेक्ट डॉट टेल और ब्रैकेट में एन। तो ये डिफाइन करता है कि कितने एलिमेंट आपके हेड और टेल से फैच किए जाएंगे और ये एन की वैल्यू के आधार पर जज किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि इफ़ यू डू नॉट प्रोवाइड एनी वैल्यू फॉर एन, अगर आप एन की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं तो क्या होगा। सो एट दैट टाइम हेड एंड टेल फंक्शन विल रिटर्न द फर्स्ट एंड लास्ट 5 एलिमेंट्स और 5 रोज रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम हेड या टेल में कोई वैल्यू नहीं पास करें तो फर्स्ट हेड क्या करेगा, फर्स्ट से 5 एलिमेंट्स को, और टेल क्या करेगा, लास्ट से 5 एलिमेंट को फेच करके रिटर्न करेगा। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ हेड एंड टेल फंक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट इट विद एन एग्जांपल। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में ही मॉडिफाई कर दे रहा हूँ यहाँ पे जो मैं प्रिंट कर रहा था, कुछ लाइंस मॉडिफिकेशन करके I'm going to rub it, and in the definition part also I'm going to remove something from here. Now I'm going to have few values like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि मैंने 15 वैल्यूज़ यहाँ पे ले ली है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास 15 वैल्यू आएगी और इंडेक्स हमारा स्टार्ट हुआ है 0 से। तो 0 से 14 तक हमारा इंडेक्स जा रहा है और वैल्यूज़ आ रही हैं 1 से लेके 15 तक। नाउ इफ़ वी वांट टू यूज़ द हेड एंड टेल फंक्शन, तो हेड फंक्शन का पहले मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दे रहा हूँ हियर कि यूज़ ऑफ हेड, ठीक है, एंड कोट क्लोज। यूज़ ऑफ के जगह पे इफ़ मैंने टाइप कर दिया है, आई हैव मेड मिस्टेक, और उसको यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। नाउ अब हमें हेड फंक्शन यूज़ करना है, तो फॉर दैट आई एम राइटिंग
print, and then in bracket S13 जो हमारा panda object है dot head. Head is a function, तो आपको यहाँ पे bracket open and close करना होगा. प्रोग्राम को ऑब्जर्व कर लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इसको प्रोग्राम को चाहते हैं कि आपके पास रहे, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट. आप देखें ये हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट था. अब यहाँ पे आप देखें यूज़ ऑफ हेड जब हमने किया है तो 5 वैल्यूज़ टॉप से हमारी फेच करके यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है. इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 पे जो वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 है ये डिस्प्ले हो रही है. ऐसे ही अगर हम यहाँ पे इसको कॉपी करें, आई एम गोइंग टू कॉपी इट, कॉपी दीज टू लाइन्स, कॉपी एंड मूव फॉरवर्ड एंड पेस्ट इट. अब यहाँ पे इंस्टीड ऑफ हेड आई एम राइटिंग यूज़ ऑफ टेल, and instead of head I am here also I am writing tail function. अब अगर मैं यहाँ पर इसे execute करूँ तो you'll observe the output. तो सबसे पहले यहाँ पर ये series object हमारा print हुआ, फिर उसके बाद जब head use किया है तो top से 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारी values आ रही हैं, और अगर हमने टेल का यूज़ किया है तो अब ये बॉटम से वैल्यूज़ फेच हो रही हैं 11, 12, 13, 14 एंड 15. तो हेड फंक्शन टॉप से वैल्यू को फेच करता है एंड टेल फंक्शन बॉटम से वैल्यूज़ को फेच करता है. तो दीज आर द यूज़ ऑफ हेड एंड टेल फंक्शन. नाउ अभी तक हमने यहाँ पे एन की वैल्यू नहीं दी है. अब अगर हम एन की वैल्यू यहाँ दे दें कि जैसे मान लो हमने एन की वैल्यू यहाँ पे 3 दे दी और यहाँ पे मान लो हमने वैल्यू दे दी 7. यहाँ पे आप कोई भी वैलिड वैल्यू दे सकते हैं, बस ये होना चाहिए कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उससे या उसके बराबर या उससे कम ही वैल्यू हम यहाँ पे पास करेंगे. तो हेड में हमने 3 दिया है और टेल में हमने 7 दिया है. प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, ऑब्जर्व द आउटपुट. इन हेड सेक्शन यू विल गेट 1, 2, 3, दैट मीन्स 3 वैल्यूज़. एंड इन टेल फंक्शन द यूज़ ऑफ टेल you will get 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. So now you are getting 7 values. Okay? So hope you all understand the use of head and tail function. इसमें यही चीज़ बहुत important है कि exam में पूछा जा सकता है कि अगर head और tail में n की value pass ना करें then what would happen. Now moving forward, next topic is vector operation on series. तो देखिए vector operation on series, तो वेक्टर ऑपरेशन मींस इफ़ यू अप्लाई अ फंक्शन और एक्सप्रेशन देन इट इज़ इंडिविजुअली अप्लाइड ऑन ईच आइटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. सिंस सीरीज ऑब्जेक्ट आर बिल्ट अपॉन नंपाई एरे दैट इज एन डी एरे, दे आल्सो सपोर्ट वेक्टराइज्ड ऑपरेशन लाइक एन डी एरे. जैसे आपने एन डी एरे में वेक्टर ऑपरेशन देखा था, सेम उसी तरीके से वेक्टर ऑपरेशंस आप सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ भी कैरी आउट कर सकते हैं. तो फॉलोइंग एग्जाम्पल विल मेक इट क्लियर टू यू. सपोज वी हैव अ पांडा सीरीज ऑब्जेक्ट OB2 एज शोन इन द फिगर. तो OB2 है, यहाँ पे आप देखेंगे वैल्यू है हमारी ABCDE और यहाँ पे वैल्यूज़ हैं हमारी 1.5, 12.75, 24, 35.25, 46.50. तो ये हमारे पास वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं. अब अगर हम यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, लाइक हमने लिखा OB2+2, तो OB2+2 करेंगे तो हर एक एलिमेंट की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा. और हम लिखें OB2 × 3, तो हर एक वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर हम लिखेंगे OB8 = OB2 raised to the power 2, तो उस केस में यहाँ पे 2 मतलब यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा. अगर हम लिखें OB2 > 15 एटसेट्रा, तो ऑल दीज आर वैलिड एक्सप्रेशंस. तो इन ऑल द अबव एक्सप्रेशन द गिवन ऑपरेशन विल बी कैरीड आउट इन वेक्टराइज्ड वे, दैट इज विल बी अप्लाइड टू ईच आइटम ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट.
तो अब मैं यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट भी कर देता हूँ आपके सामने। तो इसको मैंने यहाँ पे सेव करना है, तो इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। देन मुझे एक नया फाइल बनाना है, तो मैंने यहाँ पे एक नई फाइल बनाई। फाइल नेम मैंने दे दिया कि प्रॉग टू, .py। तो मैंने प्रोग्राम टू नाम से एक फ़ाइल आपकी क्रिएट कर ली। फाइल मेरी यहाँ पे सेव हो गई है। ओके, अब मैं यहाँ पे आगे बिगिन करता हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने एक s नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ देनी हैं, तो वो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे रखनी है 1.5 कॉमा, दूसरी वैल्यू है 12.75, नाउ द थर्ड वैल्यू इज़ 24.0, एंड द लास्ट वैल्यू इज़ 46 सॉरी सेकेंड लास्ट वैल्यू इज़ 35.25, एंड फाइनल वैल्यू इज़ 46.50। अब यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू हमें पास करनी है, तो मैंने यहाँ पे रख लिया इंडेक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो इंडेक्स हमें चाहिए वो ए बी सी डी चाहिए हमें इंडेक्स, तो इसके लिए मुझे स्क्वायर ब्रैकेट की आवश्यकता है। एंड देन वी जस्ट सिंपली नीड टू हैव द वैल्यू इन कोट्स लाइक ए कोट क्लोज कॉमा कोट बी कोट क्लोज कॉमा कोट सी कोट क्लोज कॉमा कोट डी कोट क्लोज कॉमा कोट ई। तो यहाँ पे मैंने ये कोट क्लोज कर दिया, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना एक एरे क्रिएट कर लिया, एक पाइथन की सीरीज़ मैंने बना ली। अब यहीं पे इसको प्रिंट भी कर देते हैं। तो प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है, एंड यहाँ पे मैं पास कर दे रहा हूँ वैल्यू s। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप यहाँ पे इसके आउटपुट को ऑब्जर्व कीजिए, ए बी सी डी ई पे वैल्यू 1.5 12.75, ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास आ गई हैं। अब मैं ये जो प्रिंट फंक्शन है इसको, इससे पहले मैं एक लाइन यहाँ दे दे रहा हूँ, या इसको रहने दीजिए, मैं सक्सेसिव प्रिंट फंक्शंस यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस स्टेटमेंट को। नाउ आई एम राइटिंग एस प्लस टू, फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर दिया, फिर उसके बाद मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने किया एस मल्टीप्लाई बाई 3, अगेन प्रिंट फंक्शन। फिर मैंने कह दिया यहाँ पे किया कि s1 इज इक्वल्स टू s देन डबल एस्ट्रिक 2। फिर यहाँ पे इंस्टीड ऑफ प्रिंटिंग s, यहाँ पे मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ s1 को। एंड फाइनली मैंने यहाँ लिखा s इज़ ग्रेटर देन, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 15। एंड फाइनली मैंने प्रिंट कर दिया s को। वैसे यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा।
प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट को ऑब्जर्व कीजिएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि पहले केस में ए 1.5, बी 12.75 ये वैल्यू थी, दूसरे केस में जब मैंने इसको प्रिंट कराया है तो देखिए यहाँ पे अगर मुझे आउटपुट चाहिए, ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आउटपुट मुझे चाहिए तो वैल्यू को मुझे असाइन करना पड़ेगा एक्चुअली किसी वेरिएबल में। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे भी यूज़ कर ले रहा हूँ एस वन इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई वाले जगह पे भी मुझे यहाँ पे लिखना होगा एस वन एंड देन इक्वल टू सिंबल, और यहाँ पे भी मुझे लिखना होगा एस वन एंड इक्वल टू, और जहाँ जहाँ मैं एस को प्रिंट करा रहा था ऑपरेशन के बाद नाउ वी हैव टू प्रिंट एस वन। इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड I'll paste it at the int. Done and execute it. Now observe the output. तो first case में s को print किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Second case में हमने किया s1 is equals to s plus 2. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक individual value में 2 का addition हो गया, मतलब 1.5 हो गई, 3.5, 12.75 हो गया, 14.75 and so on. फिर हमने किया है s मल्टीप्लाई बाई 3, तो मैंने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5 हो गया 4.5, 12.75 हो गया 38.25 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने पावर रेस किया 2 से, तो a की वैल्यू हो गई 2.25, b के लिए आप देख सकते हो 162.56, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। एंड लास्ट केस में यहाँ पे आप देखें तो हमने कंडीशन टेस्ट की है कि s इज़ ग्रेटर दैन 15, तो a और b की जो वैल्यू है दैट इज़ लेस दैन 15 एंड दैट्स वाई विल गेट फॉल्स एज अ रिजल्ट। एंड फॉर c d एंड e वी आर हैविंग 26, 37, 48, सो दीज वैल्यूज़ आर ग्रेटर दैन 15 एंड दैट इज़ वाई विल गेट ट्रू एज अ रिजल्ट। तो दिस इज़ हाउ यू कैन परफॉर्म वेक्टर ऑपरेशन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। तो स्टूडेंट दिस इज़ योर टास्क टू प्लीज़ राइट द प्रोग्राम्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड, सॉल्व एवरी न्यूमेरिकल्स, एवरी प्रैक्टिकल एंड एग्जाम्पल क्वेश्चंस गिवन हियर, and please send me the screenshot on my personal WhatsApp number. Thank you. In case of any doubt, please contact me.